अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल में वापस से स्वागत है। कल फाइनल जो फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी थी और उनके साथ तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जेनेट येलन की जो एक कॉन्ग्रेशनल सेरेमनी थी कंक्लूड हो चुकी है। उनके जो सेरेमनी कंक्लूजन था ये है कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर है। दोनों दिन डॉलर इंडेक्स, जब जब उन्होंने बोला डॉलर इंडेक्स ऊपर गया। बट कल देखने वाली बात ये थी कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर होने के बावजूद गोल्ड प्राइसेस जो है वो क्रैश नहीं हुए। परसों ज़रूर थोड़े से प्रेशर में आ गए थे गोल्ड प्राइसेस डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के बाद, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल इवन दो इक्विटी मार्केट क्रैश हुई डॉलर इंडेक्स की बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, लेकिन गोल्ड क्रैश नहीं हुआ और गोल्ड अपनी जगह एकदम खड़ा रहा। इसका मतलब है गोल्ड में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ बाकी है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इवन दो अभी भी वीकली चार्ट पे गोल्ड वीक जोन में है, बट इंट्राडे चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रांग जोन दिखा रहा है काफ़ी दिन से, 2-3 दिन से। और अभी भी गोल्ड का वो स्ट्रांग जो एक होल्ड है वो अभी भी बरकरार है। अभी फिलहाल 1735 1736 चल रहा है, 1739 का हाई बनाया है थोड़ी देर पहले। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। गोल्ड का आज का सपोर्ट है $1724 का। गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस है $1745 का। गोल्ड का ट्रेंड अभी भी आज अभी पॉजिटिव है बिकॉज एक अच्छी तेजी आ चुकी है इसके अंदर। एक 1737 का कल हमारा रेजिस्टेंट था, उसके बाद 2-3 बार स्पाइक दे चुका है और अभी मार्केट पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। बट बाइंग करने की सलाह मैं अभी भी नहीं दूंगा। उसके दो रीजन है, एक सिल्वर वीक जोन में है और अभी भी डॉलर इंडेक्स काफी पॉजिटिव जोन में है, तो अभी भी थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है मार्केट में। अगर आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर 25.07 सेंट के आसपास चल रही है। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड जो है परसों के लेवल 1740 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, जबकि सिल्वर सिल्वर अभी भी स्ट्रगल कर रही है। सिल्वर अभी भी ऊपर जा नहीं पा रही है। उसकी एक मेन वजह यह है कि नैसडैक, डाउ जोन्स और S&P 500 सारे इक्विटी मार्केट्स डाउन है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अभी $25.07 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस है $25.30 का। सिल्वर का सपोर्ट है आज का $24.90 का। सिल्वर का ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है। $25.30 ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट वापस से पॉजिटिव हो जाएगी और 25.60 और $26 तक जा सकती है। 24.90 के नीचे 24.70 और 24.50 जा सकती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के ट्रेंड कॉन्ट्रेडिक्ट हैं, तो ट्रेड कीजिएगा अकॉर्डिंगली। ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट में एक हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट बंद नहीं हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर मार्केट में ट्रेड नहीं है तो ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश ना करें। उससे क्या होता है कि फिर लॉसेस होते हैं और अकाउंट पे असर पड़ता है। यह है क्रूड ऑयल। कल 5% ऊपर चला गया था क्रूड ऑयल, अभी $60 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है $59.20 का। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है $61.80 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जब तक 59.20 ब्रेक नहीं करता है। 59.20 अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो $58.57 वापस से जा सकता है। 61.80 के ऊपर $64 तक जा सकता है और $66 भी टेस्ट कर सकता है। इस हफ्ते के 2 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्रूड ऑयल में, बिकॉज क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग होगी इस वीक की काफ़ी क्रूशल हो सकती है। अगर नीचे क्लोज हुआ तो, नीचे क्लोज नहीं हुआ
तो पॉजिटिव बना ही रहेगा। अब देख लेते हैं यूरो, फिर बिटकॉइन और एमसीएक्स लेवल देखेंगे। यूरो चल रही है 1820, यहाँ पे नहीं आई है बट मेरे दूसरे चार्ट चल रहे हैं। 1820 1821 के आसपास यूरो चल रही है। अभी भी यूरो वीक जोन में ही है काफी। ये आप देखोगे तो 2 दिन का क्रैश है, एक जबरदस्त क्रैश है। डॉलर इंडेक्स की सारी तेजी यहीं पे निकली है। अगर डॉलर इंडेक्स की तेजी का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो यूरो ही है। वो इसीलिए हुआ है बिकॉज डॉलर इंडेक्स में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो यूरो का ही है। डॉलर इंडेक्स क्या है और उसका गोल्ड पे क्या असर पड़ता है, उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो। तो यूरो का आज का रेजिस्टेंस है 1840 का, यूरो का सपोर्ट है आज का 1770 का। ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है, जब तक 1840 ब्रेक नहीं करता है। 1840 ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो 1900 तक जा सकता है। 1770 के नीचे अगर निकला तो 1750 और 1700 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो वीक जोन में है तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अब एमसीएक्स के लेवल देखने से पहले एक बार बिटकॉइन को देख लेते हैं। यह है बिटकॉइन चार्ट। कल इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन से भी आप खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला में सॉरी बिटकॉइन में 4% की तेजी आई। ऑलमोस्ट $2,500 बढ़ चुका था कल ये, लेकिन उसके बाद फाइनली एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है इसमें बिटकॉइन में। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। बिटकॉइन का आज का रेजिस्टेंस है $55,500। बिटकॉइन का सपोर्ट आज का $49,900 का है। ट्रेंड है फिलहाल वीक, 55,500 के ऊपर जाएगा तभी मार्केट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वीक जोन में है। अब देख लेते हैं अपने देसी एमसीएक्स के लेवल। सबसे पहले देखेंगे गोल्ड, 44,830 चल रहा है। एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट है आज का 44,670। एमसीएक्स गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 44,980। एमसीएक्स के ये जो लेवल दे रहा हूँ मैं, ₹72.63 के हिसाब से दे रहा हूँ। जब 5 बजे एमसीएक्स का यूएसडी आईएनआर बंद हो जाएगा तो उस यूएसडी आईएनआर के हिसाब से दूंगा, बिकॉज यूएसडी आईएनआर के जो लेवल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जब 5 बजे बंद हो जाएगा तो वापस से लेवल रिवाइज करूंगा। रिवाइज लेवल देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइए। ज्वाइन का बटन दबाने से आप 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट में रिवाइज लेवल देख पाओगे। सिल्वर चल रही है 65,040। आज का रेजिस्टेंट है 65,600। आज का सपोर्ट है 64,700 का। अब देख लेते हैं निफ्टी जो नीचे चल रही है, और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है वो सेलिंग में बैठा है, क्योंकि हमारी इस निफ्टी 14,995 से सेल चल रही है और अभी भी हम सेल करके बैठे हुए हैं, बुक नहीं किया है। 14,400 चल रही है आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। जो मेरा इंडियन टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैं फ्री निफ्टी कॉल्स देता हूँ, फ्री स्टॉक की कॉल्स भी देता हूँ। निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस है 14,680 का। निफ्टी का सपोर्ट है 14,300 का। निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल वीक है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। मेरी पेड सर्विस आपको लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने चैनल, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ 7:15 के आसपास, जो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उसमें आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ। वो जो वीडियो है वो मेरे इंग्लिश चैनल पे आता है, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलूंगा आपको शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।